बमरौली कटारा स्थित अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। सत्र 2023 और 2024 के लिए किए गए फ्रेशर पार्टी का आगाज बड़े ही धमाकेदार तरीके से किया गया। छात्र छात्राओं ने फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड फिल्मों के सितारे यहां पर मौजूद हैं। नवागत छात्र छात्राओं द्वारा उनकी प्रस्तुतियों पर निर्णायक मंडल ने प्रस्तुति परिधान प्रदर्शन के तहत प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पलक मदनानी को मिस फ्रेशर तो साहिल को मिस्टर फ्रेशर चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति डॉक्टर सुकेश यादव, उपकुलपति डॉक्टर सुनील जैन एवं मुख्य सचिव श्रीकांत चौहान मौजूद रहे। सफलता पूर्वक चले इस कार्यक्रम में शिक्षणगढ़ नेत्रपाल सिंह, धर्मवीर सिंह, विनय यादव, अंकित सिन्हा, सतेंद्र चौहान, हसन खान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह का सफल संचालन डॉक्टर ब्रजेश कुमारी एवं रंजना यादव ने संयुक्त रूप से किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से जितेंद्र पमनानी की रिपोर्ट। फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया 2023 में, क्योंकि इस बैच का ही पूरे का सीख रहे हैं। बीएससी, एमएससी जितने यूजी पीजी कोर्सेस सबने कराए हैं, जो है कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे गए इसमें, जिसमें कि डांस है, स्किट्स हैं और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्ले करके बच्चों ने एंजॉयमेंट किया है। सभी स्टाफ ने और जो हमारे बीसी सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, उन सब ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और भविष्य में ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। थैंक यू। एक खुशी का माहौल है, ऐसा माहौल जो कि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को और खुश होकर के हम आगे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे फीडबैक होते रहे। यहाँ पे हमारे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारे कल्चर एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहते हैं, ताकि बच्चों का सांस्कृतिक में भी रोजगार हो सके, स्पोर्ट्स में भी हो सके। पढ़ाई तो यहाँ पर बिल्कुल एक नंबर की चल रही है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स की पूरी फैकल्टीज आई हुई है और सारे वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके उन पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं डॉक्टर एस के चौहान, अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, और 1 जुलाई 2023 से यहाँ पर था। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज 9 नवंबर 2023 को अपनी फ्रेशर्स पार्टी रखी है। इस उपलक्ष्य में आज हमारे हेरिटेज विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में रंगारंगीन प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। विकास कर सकें। लगभग कितने बच्चों की द्वारा ये फ्रेशर पार्टी की जा रही है? करीब इसमें 50 के करीब आसपास बच्चे हैं, 50-60 के आसपास उसमें ये फ्रेशर पार्टी आयोजित की। इस तरह से कार्यक्रम करने से क्या महत्व होता है? इसमें एक तो ये भावना रहती है कि आपस में भाईचारे की भावना बनती है बच्चों के अंदर, और दूसरा एक कंपटीशन की भावना भी इनके अंदर दिखाई देती है, आगे बढ़ने की एक जो उनकी जो उनका जो चलन है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें होती हैं, बेनिफिट मिलता है और एक कोऑर्डिनेशन आपस में एक स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है बच्चों को कि हम सब साथ साथ हैं।